हागोरोमो ओसुत्सुकी, जिसे सभी शिनोबी सेज ऑफ द सिक्स पास के नाम से जानते थे। हागोरोमो को सभी शिनोबी भगवान की तरह मानते थे, जिन्होंने निंशु से इस निंजा वर्ल्ड को बनाया और जो सभी शिनोबी के पूर्वज हैं। हागोरोमो प्रिंसेस कागुया ओसुत्सुकी का बेटा था और हागोरोमो का एक जुड़वा भाई भी था, हामुरा। उन दोनों के पास अपने माँ की तरह सेम चाकरा था। हागोरोमो अपने भाई के साथ कागुया को सील कर देता है और फिर वो टेन टेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है, जिससे हागोरोमो पहला जिंजूरी की बनता है। कागुया गॉड ट्री के चाकरा फ्रूट को खाती है, जो हजारों साल में एक बार आता है, जिससे कागुया को डिवाइन पावर्स मिल जाती है, जिसकी मदद से वो लड़ाइयां खत्म करके शांति कायम करती है। जिसके बाद कागुया के दो जुड़वा बेटे होते हैं, हागोरोमो और हामुरा। कागुया इस बात को समझने के बाद कि उसका चाकरा स्प्रेड होने लगा है, वो गॉड ट्री और टेन टेल्स की मदद से सभी लोगों से अपना चाकरा रीगेन करती है। हागोरोमो और हामुरा अपने माँ के इस इंटेंशन के बारे में नहीं जानते थे। उनका विलेज फल फूल रहा था, पर वहाँ के लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे गॉड ट्री के रिचुअल्स की वजह से, और उन दोनों को गॉड ट्री के पास जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन गामामूरा दोनों भाइयों के पास आता है, जो उन्हें गॉड ट्री के रिचुअल की सच्चाई के बारे में बताता है। हागोरोमो उसकी बात का यकीन नहीं करता है, पर हाओरी के गॉड ट्री रिचुअल में हिस्सा लेने के बाद हागोरोमो चिंता करने लगता है और गामामूरा के बातों को याद करता है, जिसके बाद हागोरोमो और हामुरा अपनी माँ से ये सब कुछ बंद करने कहते हैं, पर कागुया उन्हें मना कर देती है, ये कहकर कि ऐसा करना जरूरी है। दोनों भाई गॉड ट्री के पास जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उन्हें पता चलता है कि सभी लोगों को गॉड ट्री में सैक्रिफाइस कर दिया जा रहा है। और हाओरी को देखने के बाद हागोरोमो का शारिंगन अवेक हो जाता है, जिसके बाद दोनों भाई गामामूरा के पास जाते हैं। गामामूरा उन दोनों को कागुया के हिस्ट्री और गॉड ट्री के फ्रूट के बारे में बताता है, और कैसे कागुया ने इन्फिनिट सुकुयोमी की मदद से उनके पिता और सभी विलेजर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। हागोरोमो जानता था कि कागुया से लड़ने के लिए उसे और पावर्स की जरूरत होगी। हागोरोमो गामामूरा से सेंजुत्सु सीखता है। हागोरोमो जल्द ही सेंजुत्सु में इम्प्रूव होने लगता है और कागुया को हागोरोमो के बारे में पता चलता है। टोड सेज से ट्रेनिंग लेने के बाद हागोरोमो कागुया से लड़ने के लिए वापस आता है, पर जाने से पहले गामामूरा हागोरोमो को एक स्पेशल सील देता है, जिसमें सेज पावर्स होती है। हागोरोमो कागुया से बात करने की कोशिश करता है, पर कागुया उसकी बातों को इग्नोर करती है और हामुरा को बुलाती है, जिसे उसने ब्रेन वॉश कर दिया था, और हामुरा से हागोरोमो पर अटैक करवाती है। हागोरोमो को मजबूरी में अपने भाई से लड़कर उसे हराना पड़ता है, जिससे उसका क्यों शारिंगन और फिर रेनेगान अवेक हो जाता है। हागोरोमो गामामूरा के दिए सील से हामुरा को हील करता है। कागुया गुस्से में गॉड ट्री को टेन टेल्स में बदल कर हागोरोमो और हामुरा पर अटैक करती है। हागोरोमो और हामुरा कागुया से लड़ते हैं और उनकी लड़ाई महीनों तक चलती है, जिस दौरान आधे से ज्यादा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है, और आखिर में हागोरोमो और हामुरा कागुया को हरा कर उसे सील कर देते हैं, और हागोरोमो टेन टेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है, और ऐसा करके वो पहला जिंजूरी की बनता है। अपने माँ के टेक्निक पर रिसर्च करने के बाद हागोरोमो सभी को इन्फिनिट सुकुयोमी से फ्री कर देता है, और हामुरा डिसाइड करता है कि वो मून पर रहेगा ताकि वो कागुया पर नजर रख सके। हागोरोमो डिसाइड करता है कि वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करेगा ताकि वो उनके फाइट से हुए डैमेज की भरपाई कर सके। गामामूरा हागोरोमो के जाने से पहले उसे अपनी प्रोफेसी के बारे में बताता है कि एक नीले आंखों वाला लड़का टेल बीस से मिलेगा और एक मिरेकल लाएगा। हागोरोमो अपनी जर्नी के दौरान दूसरों के साथ अपना चक्रा शेयर करने लगा और उन्हें निंशु के बारे में बताने और सिखाने लगा। हागोरोमो पीस कायम करना चाहता था, जिसकी वजह से उसे सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड का नाम भी मिलता है। हागोरोमो जानता था कि पीस लाना आसान नहीं है, और
और इसे सिंगल लाइफ टाइम में करना इम्पॉसिबल है। हागोरोमो इवेंचुअली अपने होम विलेज वापस आता है और अपने विलेज को निंशु सिखाने का केंद्र बनाता है। कुछ वक्त बाद हागोरोमो शादी कर लेता है जिससे उसके दो बेटे होते हैं, इंद्रा और अशुरा। पर हागोरोमो के दूसरे बेटे के जन्म के दौरान उसकी वाइफ का डेथ हो जाता है। अपने बेटों के बड़े होने के बाद हागोरोमो उन दोनों को निंशु सिखाता है, इस उम्मीद से कि उन दोनों में से कोई निंशु का सक्सेसर बनेगा और हागोरोमो के आइडियल्स और गोल को अचीव करेगा। हागोरोमो का बड़ा बेटा इंद्रा बहुत ही टैलेंटेड था और इंटेलिजेंट था, जो काफी जल्दी निंशु को मास्टर करने लगा। और हागोरोमो का दूसरा बेटा अशुरा इंद्रा से बिल्कुल अलग था, जिसे कुछ भी सीखने में स्ट्रगल करना पड़ता है, पर वो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था और वो दोस्त बनाने में भी अच्छा था। हागोरोमो इंद्रा से इंस्पायर होकर क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स टेक्निक की मदद से अपने अंदर के टेंटेल्स के चक्रा को 9 हिस्सों में बांट देता है और 9 टेल्ड बीस्ट बनाता है और उन सभी को नाम देता है। सभी को एक साथ बाहर निकालने के बाद हागोरोमो महीनों तक आराम करता है। कुछ वक्त बाद हागोरोमो सभी टेल्ड बीस्ट को निंशु के फॉलोवर्स के बनाए टेम्पल्स में भेज देता है, जो 9 अलग अलग प्लेसेस में है। सभी टेल्ड बीस्ट को दूर भेजने से पहले हागोरोमो सभी यंग टेल्ड बीस्ट को बताता है कि वो लोग अलग होने के बाद अब भी एक दूसरे से लिंक है और फ्यूचर में एक लड़के की मदद से वो लोग फिर से मिलेंगे और उसकी हेल्प से वो लोग इस दुनिया को फिर से बचा लेंगे। अब वक्त आ चुका था निंशु के सक्सेसर को चुनने का। हागोरोमो डिसाइड करता है कि वो इंद्रा और अशुरा को मिशंस असाइन करेगा और उन दोनों को अलग अलग विलेज भेजेगा और वहाँ के लोगों की हेल्प करने कहेगा और उनके रिजल्ट्स को देखने के बाद वो निंशु के सक्सेसर को चुनेगा। इंद्रा कुछ महीनों में ही मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाता है, पर हागोरोमो अपना डिसीजन बताने से पहले अशुरा के वापस आने का इंतजार करता है। गामामुरा हागोरोमो को इंद्रा के मिशन कंप्लीट करने के तरीके के बारे में बताता है। एक साल बाद अशुरा मिशन कंप्लीट करके वापस आता है अपने कुछ नए दोस्तों के साथ, जिन्होंने अशुरा से निंशु सीखा है और उसकी मदद की मिशन को कंप्लीट करने में। अशुरा और इंद्रा के सामने आने के बाद हागोरोमो निंशु के सक्सेसर का डिसीजन लेता है और सभी को चौंकाते हुए हागोरोमो अशुरा को चुनता है। अशुरा कहता है कि इंद्रा को सक्सेसर बनाना चाहिए क्योंकि उसने अशुरा से जल्दी टास्क को कंप्लीट किया। हागोरोमो समझाता है कि जिस तरीके से अशुरा ने गांव वालों की मदद से सब कुछ ठीक किया, अशुरा का तरीका असल में पीस ला सकता है और इंद्रा को जिस विलेज में भेजा गया था उसके वापस आने के बाद उस विलेज के लोग आपस में ही पानी के लिए लड़ने लगे हैं और वहां की हालत अब और खराब हो चुकी है। इंद्रा, जो कि हमेशा से निंशु का सक्सेसर बनना चाहता था, अशुरा के सक्सेसर बनने के बाद वो गुस्से में वहां से चला जाता है। उसी रात अशुरा के सक्सेसर बनने की खुशी में सेलिब्रेशन रखा जाता है। हागोरोमो अशुरा को अपने पावर्स देते हुए उसे इंद्रा के पास जाकर उसे मनाने कहता है। इंद्रा जेलेसी में ब्लैक जेसु से मैनिपुलेट होकर विलेज पर अटैक करता है और अशुरा को फाइट के लिए चैलेंज करता है सक्सेसर के टाइटल के लिए। अशुरा इंद्रा से रिक्वेस्ट करता है कि वो गुस्सा ना करे, पर इंद्रा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उस पर अटैक करता है। अशुरा सिक्स पाथ के चक्रा की मदद से इंद्रा के अटैक को रोक लेता है, पर वो इंद्रा के सामने कमजोर पड़ने लगता है। हागोरोमो सभी से अशुरा के साथ चक्रा शेयर करने कहता है, जिसके बाद अशुरा वुड रिलीज का यूज करके इंद्रा को हरा देता है। इंद्रा ये कहकर वहां से चला जाता है कि वो अपना बदला लेकर रहेगा। कुछ सालों बाद अशुरा काना से शादी कर लेता है। हागोरोमो के उसके आखिरी पलों में इंद्रा उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसका पीस लाने का तरीका और उसका डिसीजन गलत था, जो आगे चलकर सिर्फ वॉर करवाएंगी, जिसका फायदा उठाकर वो निंशु को खत्म कर देगा, चाहे उसे ऐसा करने के लिए जितनी बार पुनर्जन्म लेना पड़े। हागोरोमो अशुरा को इसके बारे में बताता है। अशुरा हागोरोमो को आश्वासन देता है कि वो भी इंद्रा के साथ पुनर्जन्म लेगा ताकि वो लोग अपने लड़ाई को खत्म कर पाएं। हागोरोमो को शक था कि इंद्रा या फिर उसका री इनकारनेशन अशुरा के पावर्स को लेने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए वो स्टोन टैबलेट में अपनी हिस्ट्री के बारे में लिखता है, जिसे रिनेगान की मदद से पढ़ा जा सकता है। पर
शारिंगन से भी वो इसे पार्शियली पढ़ सकते हैं, इस इंटेंशन से कि इसे पढ़ने के बाद इंद्रा के रीइंकार्नेशंस फिर से इंद्रा की गलती ना दोहराएं। पर उसके मरने के बाद ब्लैक जेसूत, जो कागुया के विल का मैनिफेस्टेशन है, उस स्टोन टैबलेट के लिखे इन्फॉर्मेशन को बदल देता है। हागारोमो के मरने के बाद भी हागारोमो चाक्रा स्पिरिट बनकर जिंदा रहता है ताकि वो इंद्रा और अशुरा के एंडलेस कन्फ्लिक्ट को खत्म कर सके। फोर्थ शिनोबी वॉर में नारुतो से यंग कुरमा के निकलने के बाद हागारोमो की स्पिरिट नारुतो के पास आती है और सास्के के मादारा के अटैक से मरने के बाद वो सास्के के पास भी जाता है। हागारोमो नारुतो और सास्के से बात करता है और दोनों को उसके हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपनी माँ कागुया को सील किया और निंशु का निर्माण किया, जिसके बाद उसके कुछ गलतियों की वजह से उसके दोनों बेटे में एंडलेस कन्फ्लिक्ट शुरू हुई और दोनों ने पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। नारुतो हागारोमो के बातों को सुनने के बाद मान जाता है और गेस करता है कि वो आशुरा का रीइंकार्नेशन है और सास्के इंद्रा का। हागारोमो उन दोनों को ये भी बताता है कि इंद्रा का प्रीवियस रीइंकार्नेशन मादारा वापस जिंदा हो चुका है और वो सेजेस की पावर को हासिल करने के बाद उसकी माँ कागुया के पावर्स को पाना चाहता है। नारुतो हागारोमो को थैंक्स करता है कि उसने उस पर भरोसा किया, पर हागारोमो उसे कहता है कि उसे थैंक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक अच्छा पिता और लीडर नहीं बन पाया, जिसकी वजह से शिनोबी वर्ल्ड को अशुरा और इंद्रा के एंडलेस कन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ रहा है। और वो कहता है कि वो फिर से अपनी गलती नहीं दोहराना चाहता है और इस बार वो अपने दोनों बेटे के साथ जिम्मेदारी और पावर्स बांटेगा। हागारोमो सास्के को भी ये सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो नारुतो और सास्के के साथ अपने पावर्स शेयर करता है, इस इंटेंशन से कि इससे सास्के का हेट्रेड खत्म हो जाए। नारुतो सिक्स पास सेज की पावर्स पाता है और सास्के का एक आंख रिनेगान में बदल जाता है। कागुया के वापस आने के बाद रीइंकार्नेटेड हाशिरामा मादारा के बॉडी के पास जाता है, तभी उसके बॉडी से हागारोमो की स्पिरिट अपीयर होती है। हागारोमो सभी रीइंकार्नेटेड कागेस को करंट सिचुएशन के बारे में बताता है। हागारोमो एक पावरफुल समनिंग टेक्निक के बारे में बताता है जो अब वो परफॉर्म नहीं कर सकता है क्योंकि उसने अपनी पावर्स नारुतो और सास्के को दे दी है, इसीलिए उसे सभी कागेस की मदद चाहिए इसे परफॉर्म करने के लिए। कागुया के सील को सेंस करने के बाद येन और यांग मार्क्स हागारोमो के हाथों पर अपेयर होने लगता है, जिसके बाद वो सभी कागेस को इंस्ट्रक्ट करता है पोजिशन लेने के लिए, जिससे वो टीम 7 सभी टेल्ड बीस्ट और मादारा को वापस रियल वर्ल्ड में समन कर लेता है। हागारोमो नारुतो और सास्के को थैंक्स करते हैं कि उन दोनों ने फिर से इस दुनिया को बचा लिया। हागारोमो काकाशी को भी थैंक्स करता है कि उसने अपने स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन में लीड किया। सास्के मादारा को जिंदा देखकर उसे मारने आगे बढ़ता है, पर हागारोमो उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि सभी टेल बीस के एक्सट्रैक्ट होने के बाद मादारा की अब जल्द ही डेथ हो जाएगी। सभी के फाइनल गुड बाय करने के बाद हागारोमो सभी रीइंकार्नेटेड होकागेस के सोल्स को आफ्टर लाइफ में भेज देता है। हागारोमो यंग कुरमा को नारुतो के अंदर वापस जाने कहता है ताकि नारुतो की मदद से सभी टेल बीस आपस में बात कर सके। हागारोमो नारुतो और सास्के को इन्फिनिट सुकुयोमी डिस्पेल करने का तरीका बताता है और फिर वो सास्के से पूछता है कि अब उसके आगे के प्लान्स क्या है। सास्के बताता है कि अब वो सभी करंट कागेस को मार देगा और सभी टेल बीस को अपने कंट्रोल में कर लेगा और सभी शिनोबी के हेट्रेड का सेंटर बन जाएगा, जिससे सभी शिनोबी नेशंस यूनिफाइड रहेंगे, जिसके तुरंत बाद ही सास्के अपने रिनेगान से सभी टेल बीस को गेंजुत्सु में डालकर उन्हें प्लेनेटरी डिवेस्टेशन में पकड़ लेता है। हागारोमो अपनी उदासी इजहार करता है कि वो सास्के से बात करने के बाद सास्के से ऐसा ही उम्मीद कर रहा था और ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए उसने सास्के पर भरोसा किया, लेकिन इन सब का कुछ फायदा नहीं हुआ। नारुतो हागारोमो से प्रॉमिस करता है कि वो इस लड़ाई को खत्म कर देगा, जिसके जवाब में हागारोमो
कहता है कि उसे नारुतो पर भरोसा है। काकाशी हागारोमो से पूछता है कि उसे नारुतो पर भरोसा क्यों है। हागारोमो काकाशी से कहता है कि उसे भी नारुतो पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि नारुतो ही अब उनकी आखिरी उम्मीद है। जिसके बाद हागारोमो की स्पिरिट डिसअपीयर होने लगती है। बात करें हागारोमो के लेगेसी की तो हागारोमो के निंशु की वजह से पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उसके फॉलोवर्स बढ़ते गए और सभी अपने निंजा क्लैंस बनाने लगे। हागारोमो निंशु से पीस लाना चाहता था पर उसके मरने के बाद लोगों ने चक्रा को वेपन बना लिया और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते रहे और निंशु के असल टीचिंग से भटकने लगे। अल्टीमेटली निंशु निंजुत्सु में बदल गया। वक्त के साथ हागारोमो का ब्लड लाइन उसके बेटों से सेंजू उज़ुमाकी और उचिहा क्लैन में बट गया। मादारा उचिहा हाशिरामा के डीएनए को खुद में ट्रांसप्लांट करके हागारोमो के चक्रा को बना लेता है और रिनेगान हासिल कर लेता है। रिनेगान की वजह से मादारा टेंटेल के वेसल को समन कर पाता है और मरने से पहले वो अपने रिनेगान को नागाटो उज़ुमाकी में ट्रांसप्लांट कर देता है और ओबितो को अपने प्लान की जिम्मेदारी दे देता है। बहुत से शिनोबी सेज ऑफ द सिक्स पास को शिनोबी वर्ल्ड का क्रिएटर मानते थे, वहीं बहुत से शिनोबी इस बात को बस एक मिथ मानते थे। हागारोमो के मरने के कई सालों बाद गामामुरा की कही प्रोफेसी सच होती है, जो उसने हागारोमो को बताई थी कि एक लड़के की वजह से वापस ये दुनिया बच जाएगी। हागारोमो की ये बात याद करते हुए सभी टेल्ड बीस्ट भी यकीन कर लेते हैं कि वो लड़का नारुतो उज़ुमाकी है और उस पर भरोसा करते हुए वो सभी अपनी पावर्स शेयर करते हैं, जो आखिर में कागुया को सील करने और फोर शिनोबी वॉर को खत्म करने में उसकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी हागारोमो ओसुत्सुकी सेज ऑफ द सिक्स पास की नारुतो और नारुतो शिफुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।